top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. की यहाँ पर लगी हुई है जो कि आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की गई है और ये जो है इसका 6-4 का ये जवाब है पीके गर्ग जो डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट के उन्होंने 21 एमएलए और उन 21 एमएलए के नाम के आगे उनको क्या क्या ऑफिसेज है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी टू मिनिस्टर ऑफ आईटी मिनिस्टर ऑफ विजिलेंस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा और उनके कमरा नंबर 151 एलबी 11A एलबी 6 एलबी 11B वगैरह वगैरह पूरी लिस्ट जारी की गई है तो ये दो जगह से झूठी बेबुनियाद बातें करने के लिए जो लोग मशहूर हैं उनकी इनएबिलिटी मैं उनको दोबारा याद दिलाना चाहती हूँ अगर आप याद करें कि कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने जो षड्यंत्र किया था जब दिल्ली में सरकार इनकी थी तो सरकार नहीं चलाने के लिए इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और रेजिग्नेशन देने के पीछे इन्होंने झूठा बहाना क्या किया था जी हमें लोकपाल बिल पास नहीं करने दिया जा रहा आपको याद है तो मैं जिनको याद नहीं है उनको दोबारा याद दिलाना चाहती हूँ क्योंकि एक झूठ बोलकर दूसरे पे मूव कर जाते हैं तो मुझे लगता है पिछला इतिहास थोड़ा सा गिनवाना आवश्यक हो जाता है और इनका असली जो कारण था वो लोकसभा चुनाव लड़ना था और उसी साजिश के तहत कई तरीके की इन्होंने हरकतें की और काश ये 1% काम भी अगर मोदी जी जितना कर पाते तो दिल्ली शहर का कम से कम नक्शा बदल जाता लेकिन बुजुर्ग लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है सब जितनी चीजें दिल्ली को दिल्ली सरकार के रूप में करनी चाहिए थी वो कोई काम नहीं हो रहा और मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को फ्री वाईफाई मिला मुझे तो नहीं मिला कम से कम तो हर वायदे पर मुकरने वाले लोग भ्रष्ट राजनीति करने वाले लोग और लगातार इलीगल काम करने वाले लोग और उसको फिर लीगल जामा पहनाने की कोशिश करने वाले लोग इन सबसे मेरा यही कहना है कि दिल्ली की जनता आपके धोखे में नहीं आएगी और जिस तरीके की the disrespect which he has shown to the constitutional authority and the institution of this country, they have enough capacity to take care of all the wrongs that they have indulged in and they have been caught on the wrong foot again. And I don't think by this kind of publicity stunt, the government can succeed and it's the people of Delhi especially and people of India are watching you through and through. And they've had enough of this notanki tamasha and they want real administration and I just pray to God that may some sense prevail and good administrative skills be inculcated so that the sufferance of the people of Delhi reduces.